नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की शाम में। ये शाम जिसका नाम है एक शाम पापा के नाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फादर्स डे है और फादर्स डे को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बच्चों और पिता के बीच में जो संबंध है उसका उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक पिता का अपने बेटे बेटी के साथ क्या संबंध होता है, वो किस तरह से उनको जन्म देने के बाद बड़ा करता है, उनकी परवरिश करता है, किन संकटों का सामना करना पड़ता है, और बच्चों के लिए अपने पिता के लिए क्या सम्मान का भाव होता है, कई बार उस सम्मान के भाव को बच्चे व्यक्त नहीं कर पाते, तो आज हमने वो मौका दिया है कि किसी भी रूप में गाकर, गुनगुनाकर, साथ में नाचकर। मकान है पिता, छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है जो आशक्ति है। पिता गृहस्थाश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता थैंक यू बेटा, आई लव यू। आई लव यू पापा आल्सो। राजस्थान पत्रिका आप सब जानते हैं, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने का माध्यम राजस्थान पत्रिका है और उनके हमारे संपादक जी अभिषेक जी श्रीवास्तव साहब यहां पर मौजूद हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और इसके लिए बधाई देते हैं कि आप उदयपुर वासियों के लिए इस तरह का एक आयोजन आपने प्रारंभ किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले शुरुआत के लिए के कारण से हम सारे इस संसार में मैं उस पापा को स्मरण करना चाहता हूँ। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सखा, तुम्ही हो। आलू बढ़िया तो बजाओ, बोलो खुद। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, धूल हम है। दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। आपकी दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हमारे उसके दिल में दफन कई मर्म है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है और परेशानियों से लड़ने को दो धारी तलवार है। बचपन में खुश करने वाला खिलौना है और नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है। पिता जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का सारथी है। एक शाम पापा के नाम कार्यक्रम में सभी हम इस आयोजन में उपस्थित है और बहुत अच्छा लगता है कि अपने एक शाम पापा के नाम के लिए सभी अपन समय निकाल के आते हैं। आज पिता हमारे लिए इतना समय निकाल के हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, तो क्यों ना हम भी एक दिन उनके लिए निकाल के इस शाम को सुहानी बना दें, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये राजस्थान पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आते हैं और प्यारी प्यारी प्रस्तुति देते हैं, तो उनका आगे से मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक छोटा सा गीत सुनाऊंगी आपको। तो ये पापा की सोन परी, वैसे बता दूं मैं मेरे पापा की लाडली बेटी रही हूँ, सबसे छोटी, और पापा से मेरा बहुत ही अच्छा रहा। वैसे तो सब ही का रहता है लेकिन मेरा थोड़ा सा विशेष है। मैं पापा की सोन परी दाई की राज दुलारी, हाँ मैं पापा की सोन परी माई की राज दुलारी, हाँ मैं अंगना की तुलसी हो, कुल बगिया की फुलवारी हो,
जन्म जन्म ते सब पाप्यो सब ये ही मिल्या में प्यार, धनी धनी माँ की ममता धनी धनी पापा के प्यार, धनी धनी माँ की ममता धनी धनी पापा के प्यार, मैं पापा की सोन परी हो, मैं पापा की सोन परी माई की राज दुल, हाँ मैं अंगना की तुलसी हो कुल बगिया की फुलवारी हो, जन्म जन्म के हो जन्म जन्म में हर पायो बस ए ही मिल्या पे प्यार, धनी धनी मम्मी की ममता धनी धनी पापा के प्यार, धनी धनी मम्मी की ममता धनी धनी पापा के प्यार। पिता एक जीवन को जीवन का दान है, पिता पिता दुनिया दिखाने का एहसान है, पिता पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है, यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ है, यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ है, वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। धन्यवाद। आदरणीय योगी गोयल साहब पधारे हैं, वो अपने कर कमलों द्वारा इस बच्चे को पारितोषिक देकर सम्मानित कर रहे हैं, इसमें बीच में आ जाओ। जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उन्हें पारितोषिक भी दिया जाएगा। इन बच्चों को पारितोषिक देकर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है, हुनर है ये भी इश्क का किसी किसी को आता है, दुश्मन की हमने हिफाजत की है, बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हम यारों, बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हम यारों, ऐसी है बांध लू मुझ पे वो जो पठान मेरी जान महफिल ही भावना जागृत होती है। पंकज जी शर्मा Oh,
यूनिवर्सिटी रोड से। मैं केशव दवे यूनिवर्सिटी रोड से राजस्थान पत्रिका और अभिषेक जी भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक शाम पापा के नाम जो हर वर्ष चलता आ रहा है कार्यक्रम इसको कंटिन्यू रखा है। बच्चे की अभिव्यक्ति भी रहेगी पिता की और मेरी भी अभिव्यक्ति रहेगी मेरे पिता के लिए। मेरी साहस मेरी इज्जत मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत मेरी पूजा मेरा पहचान है पिता। घर के एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनक उनसे सारे घर की शान है पिता। मेरी इज्जत मेरी शोहरत मेरा मान है पिता, मुझे हिम्मत देने वाला मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उनके दम से सारी बातें उनसे, सारे दिल सारे घर के दिल की धड़कन सारे घर की जान है पिता। किंतु पिता पिता सब कुछ है, पिता आसमान है, खुला आसमान इतना है कि अथाह है, पर पिता का प्यार हर वक्त बच्चों को नजर नहीं आता। कई बार पिता बुरा लगता है, कई बार पिता अच्छा लगता है, पर पिता को पूछिए कि वो उनके लिए बच्चों के लिए क्या है। सिर्फ पिता का ये कहना मैं हूँ ना बहुत बड़ी बात याद दिलाता है। मुझे याद है कि एक छोटा सा गीत है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि पिता प्यार में पढ़कर क्या क्या कर लेता है। तो छोटी उम्र में करके मारो ब्याव ब्याव रे, छोटी उम्र में करके मारो ब्याव ब्याव रे। कई समाज से भी उपस्थित है, आलोक जी पगारिया, रश्मि जी पगारिया, पार्षद छोगालाल जी भोई, एडवोकेट दिनेश जी गुप्ता और डॉक्टर अशोक जी बेरवा और भी गणमान्य हैं। मैं उनका सभी का स्वागत करता हूं जिसके नाम ले पाया हूं। मैं तो ना कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ पापा के लिए कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं। पापा हर फर्ज निभाते हैं, हर कर्ज चुकाते हैं, हमारी एक खुशी के लिए अपने सारे दुख भूल जाते हैं, फिर क्यों हम उन पापा के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसे सच्चे पापा को हम पापा कहने में भी हिचकिचाते हैं। पापा का आशीष बनाता हमारा पापा का आशीष बनाता हमारा सुखदाई है, पर हम अक्सर भूल जाते हैं कि आंधी ये कहाँ से आई है, जिससे हमें चलना आया, जिसने हमें जीवन का अर्थ सिखलाया। कोटि कोटि नमन है उस हर पिता को जिसने हमें आज इस काबिल बनाया है। प्यारे पापा के प्यारे सीने से लग जाते हैं, प्यारे पापा के प्यारे सीने से लग जाते हैं। सच कहती हूँ विश्वास करो सदा सुख पाते हैं। धन्यवाद। पारितोषिक देकर बच्चे का सम्मान कर रहे हैं। आमंत्रित कर रहा हूँ दिशा, कविता लेकर आ जाएं। उनके जैसा नहीं कोई अच्छा, मम्मी जब भी मुझे डांटे मुझे दुलाते मेरे पापा, मेरे प्यारे प्यारे पापा। धन्यवाद, हैप्पी फादर्स डे। आप सभी के सामने मैं अपने शायरी प्रस्तुत करना चाह रही, तो बेटी के सपने पिता के कंधों पर सज जाते हैं, पिता अपने दर्द सब सहते हैं, यह कोई कहानी भगवान की मेहरबानी है। थैंक यू सो मच। पर तना और रहा सुनकर है वह मेरा जमी, वही आसमान है, वही खुदरा वही मेरा भगवान है। आज मैं फादर्स डे के दिन आप सबके सामने एक कविता बोलना चाहती हूँ। माय फादर इज अ मैन लाइक नो अदर, ही गिव मी लाइफ, एनकरेज मी, टच मी, dressed me, held me, shouted at me, kissed me, but most importantly loved me. Unconditionally there are not enough words I can say you to describe just how important my father is to me and what a powerful influence he continues to be. I love my dad. Happy Father's Day. Bahut sundar प्रस्तुति इन्होंने दी है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है मेरे पापा।
राजस्थान पत्रिका की पूरी टीम को जो आज इस प्रोग्राम को बनाने में सफल बनाने में जुटी हुई है और बारिश के बाद भी आज इन्होंने ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम दूसरा सीजन आज शुरू किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधन। बोझ कंधों पे अपने उठाता रहा, दर्द सह के सदा मुस्कुराता रहा, सबकी खुशियों की खातिर सदा ही तो शाम सुबह हो लगा बस कमाता रहा, शाम सुबह हो लगा बस कमाता रहा। और क्या किया मेरे पापा ने कि डगमगाया मैं जब भी सहारा दिया, डगमगाया मैं जब भी सहारा दिया, मांगा जुगनू तो उसने सितारा दिया, उसके मजबूत हाथों में महफूज था। तालियां बजा दीजिए।
बहुत सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं गिर जाती हूँ तो उठाकर बोलते हैं, हमेशा जिंदगी में कोई भी रुकावट आए उसको समझकर सॉल्व करके आगे बढ़ो। और वो मुझे कभी डांटते हैं, कभी मारते हैं, बट अंदर से वो मुझे प्यार ही करते हैं। मैं पापा को श्रीमान अरविंद जी भोसवाल साहब जिला कलेक्टर उदयपुर पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। ताली बजार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और कार्यक्रम की इसी कड़ी में ताली बजाकर उत्साहवर्धन करते रहे बच्चे का। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक राजस्थान पत्रिका जिन्होंने हमें ये मंच दिया, ये पब हु इज हियर कि अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सो मच कि आप हमारे इतने ऊंचे आसमान के पंख हैं। एंड एक बहुत बड़ी फेमस इंस्टाग्राम पे अगर आप बहुत ट्रेंडिंग एक पोयम है उन्होंने लिखी है, तो मैंने उसका अपना वर्जन लिखा है, तो मेरे साथ साथ दीजिएगा। जब जब मैं कहूँ मुस्कुराओ तो आई वुड लाइक आप सब स्माइल करें। अगर अपने पापा के साथ हैं तो उन्हें देख के स्माइल करें, और अगर नहीं है तो उन्हें याद करके स्माइल करें। लेकिन जब भी मैं कहूँ मुस्कुराओ तो प्लीज स्माइल करें, मुस्कुराओ। अगर आज पापा को गले लगाया है तो पापा को शायद आज इस हक की ज्यादा खुशी है। मुस्कुराओ, अगर आज यहाँ आए हो तो इस शाम को इन चेहरों की जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ, अगर पापा ने कभी डांट दिया हो तो उस डांट से किसी गलत रास्ते पर जाने से बच गए हो शायद। मुस्कुराओ और रह जाए फिर भी दिल में कोई शिकायत, अगर रह जाए फिर भी दिल में कोई शिकायत तो बांट कर नाराज होकर गले लगा कर मुस्कुराओ। और फिर भी है दिल में थोड़ी खुशी ज्यादा, अगर फिर भी है दिल में थोड़ी खुशी ज्यादा तो गाना गाकर डांस करके फिर से पॉसेस दोहराओ। मुस्कुराओ, जब एक चीज मांगो तो 100 ले आए। मुस्कुराओ, एक आम की जगह पूरी पेटी ले आए। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अगर सर पर है पापा का हाथ और हर पल है पापा का साथ, जरा खुल के मुस्कुराओ अगर वो आज है तुम्हारे साथ, फूल देकर गले लगाकर कह दो अपने दिल की बात। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू माय डैड, टू माय रॉक स्टार एंड टू ऑल द फिगर्स हु आर फादर लाइक, जो पापा बनने वाले हैं या जो पापा बन चुके हैं। अ वेरी वेरी थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड ऑल द चिल्ड्रंस, वी लव यू सो मच। हैप्पी फादर्स डे, थैंक यू। अरे
जुझारू व्यक्तित्व के धनी और संपादक जी अभिषेक जी श्रीवास्तव साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप पत्रिका के माध्यम से जन जन तक अपनी आपकी जो भावनाएं हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो कमियां हैं, जो कार्यक्रम होने चाहिए उसके बारे में समय समय पर अवगत कराएं। बहुत धन्यवाद राजन जी। यहाँ उपस्थित सारे अभिभावक, खास तौर से पापा, इस कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान पत्रिका ने पिछले साल की थी। मदर्स डे सभी मनाते हैं तो मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। मैं कहा मैं फादर हूँ, मुझे मेरा दिवस भी तो मनना चाहिए। खैर, जब पिछली बार हम लोगों ने शुरुआत की तो इसमें बहुत सारे लोग थे। भारी बारिश के बावजूद लोग रुके हुए थे, कार्यक्रम शुरू हो चुका था और इनकी रश्मि पगड़िया जी की तरफ से छाते भी बांटे गए थे। उस दौर में छाते के नीचे बैठ के लोग कार्यक्रम का एंजॉय कर रहे थे। उसी कड़ी को हम लोगों ने इस बार फिर बढ़ाया। कारण भी था, कई लोग ऑफिस आते थे तो कहते थे सर इस बार फिर इवेंट हो करिए। और बहुत सारे फादर्स का मेरे पास फोन आया कि जो हम उपेक्षित थे वो कम से कम हमें एक स्पेस मिला। साथ ही मैं यहाँ बैठ जब ये बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, मैं पीछे देख रहा था, कई सारे जो फादर्स थे मदर्स थे उनकी आंखों में आंसू भी थे, उनको फीलिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा म्यूजिक ने, बारिश ने कार्यक्रम खराब करने में पूरी की पूरी भूमिका निभाई, फिर भी लोग बारिश में टिके रहे कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए। देखिए कह भी रही हैं आप। बेसिकली क्या होता है, फादर क्या होते हैं? एक पिता जो होता है वो बच्चों की लाठी होता है। पिता वो होता है जो बच्चों को बताता है कि दुनियादारी क्या है। पिता वो होता है जो कि बच्चों को लड़ना सिखाता है। पिता वो होता है जो बच्चों के आंखों में सपनों को भरना सिखाता है। पिता वो होता है जो कि दुनिया के नए आयाम दिखाता है। पिता वो होता है जो खुद भूखा रहता है और बच्चों का पेट भरता है। पिता वो होता है जो समाज से लड़कर बच्चों की हिफाजत करता है। उस पिता के लिए जितने भी शब्द कहे जाए वो कम हैं। और इन सारे बच्चों को मैं देख के मतलब मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब किस हिसाब से अपने पिता के प्रति प्रेम है, और ऐसा मन चुने शायद पहले नहीं मिलता था कि पिता के प्रति अपने उसको उद्गार को व्यक्त कर सकें। बाकी आपके बीच में दो वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, उदयपुर के जिला कलेक्टर महोदय मौजूद हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय मौजूद हैं। ये बताएंगे थोड़ा सा अपने पिता के विषय में कि दोनों ने काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष करके एक ऊंचा मुकाम पाया, जिसके लिए सभी प्रयासरत रहते हैं। तो बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी को का स्वागत मैं करता हूँ। आए बारिश के बावजूद टिके रहे और कार्यक्रम में अंत तक टिके रहिएगा। धन्यवाद। हमारे अतिथि के रूप में आप सभी के जाने पहचाने उदयपुर को यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने देखा ही होगा उदयपुर शहर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का आप निर्वहन करते हुए, चाहे झीलों की सुंदरता का बात हो, चाहे और विकास की बातें हो, या सरकार की योजनाएं हो, जन जन तक पहुंचाने में, उन्हें लाभान्वित करने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपके लिए मैं यही कहूँगा कि जज्बा जुनून बाजुओं में देखा है और झीलों की नगरी को सुंदर बनाने का, विकास का दमखम देखा है। शख्सियतें तो बहुत देखी है हमने बुलंदियों तक परवान बनने की, पर बिना रुके बुलंदियों तक पहुंचाने का हौसला हरदम देखा है। आदरणीय अरविंद कोसवाल साहब पधारे। आज राजस्थान पत्रिका के द्वारा जो ये नवाचार किया गया, इस पूरे, सबसे पहले तो मैं राजस्थान पत्रिका के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित SP साहब, हमारे संपादक जी अभिषेक जी, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आपने सही बोला कि जब आज बारिश का दिन भी आ गया, क्योंकि जब पिता का नाम आता है तो संघर्ष खुद ही आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान भी ये मैसेज दे रहा है कि आज पहली बार मुझे, तो क्योंकि मुझे ध्यान नहीं, मेरे जीवन का ये पहला प्रोग्राम है जिसमें मैंने पापा दिवस, जिसपे एक शाम पापा के नाम मनाया हो। तो मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि मदर्स डे सब याद रहता है तो पापा कहीं ना कहीं उपेक्षित हो जाते हैं, और कहीं अपने को तो ढंग से याद भी नहीं है कि भाई किस दिन पापा का हैप्पी फादर्स डे किस दिन आता है। तो इसके लिए, क्योंकि भाई राजस्थान पत्रिका हमेशा से राजस्थान में नहीं, अब तो बाकी राज्यों में भी एक अग्रणी अखबार रहा है, और चौथे स्तंभ के रूप में ये पूरी भूमिका, चाहे वो उदयपुर की बात करूँ तो उदयपुर में झीलों का मुद्दा हो, पहाड़ों का मुद्दा हो,
किसी भी प्रकार का और भी सामाजिक सरोकार का कोई भी काम होता है, सामाजिक मुद्दा होता है, तो मुझे लगता है कि पत्रिका की जो एक इमेज है कि ये एक ऐसा अखबार है जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते। तो ये जो इमेज है, और अगर मैं प्रशासन के हिसाब से बताऊं तो हमारे लिए भी कई बार ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इस वजह से अपने को बिल्कुल सही रास्ते पर चलना पड़ता है, यार किसी ना किसी अखबार वाले में पता चल जाएगा, अखबार में खबर आ जाएगी, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो एक प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर एक चेक के रूप में, और ख़ासकर इसके अलावा और बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं उनके ऊपर एक चेक के रूप में काम करता है। और जब से अभिषेक जी का यहाँ या कोई ना कोई कार्य हो, चाहे वो गरबा का महोत्सव हो, जैसे इस तरह का नवाचार करके लोगों से जुड़ने का भी काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी, आजकल निश्चित, आज अभी सुबह सुबह में एक व्हाट्सएप का मैसेज आया था, एक ही मैसेज पढ़ा था, तो उसमें ये था कि ये ज़िंदगी तब तक बहुत आसान थी जब तक, कुछ ऐसा था लाइन एग्जैक्ट तो याद नहीं, कि ज़िंदगी बहुत आसान थी जब तक सारा बोझ पापा पर था। तो मुझे लग रहा है वो क्रक्स था फादर्स डे का, कि पिता वो होते हैं जो आपको आपके बचपन से लेके जब तक पढ़ते हो, जब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक आपकी हर छोटी मोटी समस्या का समाधान करना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, और ना शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके, हो सकता है आपके कंट्रोल में नहीं हो, फिर भी बच्चों के लिए पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आजकल एक बार हर जगह एक व्यू चल रहा है कि दोस्त की तरह, पिता को दोस्त की तरह रहना चाहिए, पर मैं उसमें सोचता हूँ कि अगर पिता दोस्त की तरह बन गया तो फिर पिता कौन बनेगा? पिता तो वही होना चाहिए कि जिससे आपको एक, जो गलत बात करे तो टोके भी, थोड़ा डरे भी, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ दोस्त की तरह भी नहीं। तो मुझे लग रहा है ये थोड़े से ये वेस्टर्नाइज कंसेप्ट ज़्यादा है, कि आप कई बार पूरी तरह से जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उनको कॉपी कर लेते हो। पर पिता की जो फिगर है, आज अपने बारे में या किसी के बारे में भी देखें तो बहुत सी, मुझे लगता है ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पिताजी के डर की वजह से अपन ने नहीं की। हो सकता था कि बाहर के अट्रैक्शन इतने होते हैं, आप उस रास्ते पे चलते, नहीं की क्योंकि पिताजी के डर की वजह से। और अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं तो उनसे दो तीन चीज़ें मैंने सीखी हैं जो अपन हमेशा, आज तक मैंने कभी उनको, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, मैंने कभी घर में उनसे ये नहीं सुना कि मैं परेशान हूँ। कितनी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो शायद उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो बोल ही नहीं सकते हैं कि मैं परेशान हूँ या मैं दुखी हूँ या ये समस्या चल रही है। जो वर्स्ट ऑफ टाइम भी चल रहा हो तो उनसे पूछो कि कोई पूछ लेता क्या चल रहा है, तो वो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो धीरे धीरे आपके अंदर भी आ जाता है। अब मेरे से भी कभी नहीं बोला जाता कोई पूछ ले कि मैं परेशान हूँ, बोल ही नहीं सकते, वो निकलता ही नहीं है। तो वो आप जो होता है उनकी, क्योंकि मुझे लगता है कि एज ए पिता उनकी एक जिम्मेदारी थी कि आप घर में हर आदमी, घर वालों को, इवन आपके आपके जो रिश्तेदार होते हैं, तो जिसको हम फादर फिगर कहते हैं, तो फादर फिगर कौन होता है? जिसके पास आप मानते जाते हैं कि इनके पास सब समस्या का समाधान है। तो उनकी ड्यूटी है कि हर आदमी को मोटिवेट करके रखे, उन्हें एक सकारात्मक माहौल बना के रखे, और कैसी भी परिस्थिति हो लोगों का हौसला ना टूटने दें। तो ये चीज़ उनसे मैंने सीखी, और ये मैं अपने घर में भी, अब बच्ची छोटी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी तरीके से उसके सामने भी मैं पेश आऊँ जैसे मेरे पिताजी पेश आए। और एक चीज़ मैंने देखी, जब वो क्या कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो मुझे लगता था कि यार इनसे स्ट्रिक्ट फादर तो कोई है ही नहीं, बोला आसपास मोहल्ले में देखते थे यार सबसे सख्त तो यही है। और धीरे धीरे जैसे कॉलेज पास हुआ, एकदम पर्सनैलिटी में ऐसा चेंज आया, तो हम खुद ही घर में, मैं सिस्टर से बात करता हूँ, यार ये क्या परिवर्तन आ गया, अब तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि वही है कि जो बचपन में वही पिताजी हैं। तो ये समय के साथ साथ अपने आप में फेज के साथ चेंज आता है, तो ये परिवर्तन आपको भी लाना पड़ता है। तो जब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पुनः राजस्थान पत्रिका को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, एक अच्छा नवाचार किया, और जितने पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए भी, उनके द्वारा जो संघर्ष किए गए हैं, संघर्ष करते हैं। एक बार मुझे ध्यान है, एक बार एक स्कूल के कार्यक्रम में अपने को बुलाया था 8-9 साल पहले, तो वो एक बोर्डिंग स्कूल था, तो अपने जस्ट ऐसे रूटीन में एक बीच बोलती, मैं बोला कि आप अपन बच्चों को क्या करते हैं आजकल गिफ्ट, हर तीसरे चौथे दिन कोई गिफ्ट ले आए, टैडी ले आए, देते रहते हैं, तो मैंने इनको टैडी मत दो, इनको डैडी दो। तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी गिल्ट है कि हम बच्चों को समय नहीं दे पाते, तो हम सोचते हैं कि उसका जो हम क्षतिपूर्ति करें वो गिफ्ट के थ्रू करें,
तो बच्चों के लिए माता पिता का समय बहुत जरूरी होता है, उसकी कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पिता के बारे में कहा, बहुत कुछ बात कही है। कुछ पंक्तियों में यूं भी कह सकते हैं कि चट्टानों से हिम्मत और जज्बातों का तूफान लिए चलते हैं और पूरा करने की जिद से पिता दिल में बच्चों के अरमान लिए चलते हैं। बिना उनके न एक पल भी गवारा है और पिता ही साथी है और पिता ही सहारा है। बेमतलब सी इस दुनिया में वही हमारी शान है, किसी शख्स की वजूद की पिता ही पहली पहचान है। जानते हैं कि पुलिस की जिम्मेदारी अनुशासित करने में और सारा यहाँ पर कई विभिन्न आयोजन होते हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हमारे योगेश जी गोयल साहब हैं। उनके लिए यही कहूँगा कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा और कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। राजस्थान पत्रिका के एक शाम पापा के नाम हैप्पी फादर्स डे के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित कलेक्टर साहब, पत्रिका के संपादक महोदय, सभी संपादक पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, अभी सभी बच्चों ने, पेरेंट्स ने चाहे अपने शब्दों और उसके माध्यम से अपने पेरेंट्स के लिए अपने भाव व्यक्त किए, अपना सम्मान व्यक्त किया। बट वास्तव में शायद दुनिया में अभी तक ऐसे कोई शब्द बने ही नहीं कि हम हमारे माँ बाप के लिए जो हमारा योगदान है हमारे जीवन में उसको हम व्यक्त कर सकें। जो साइलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इस हमारे जीवन में हमारे माँ बाप का है उसको हम शायद कभी व्यक्त ही नहीं कर सकते। व्यक्त कर सकते हैं तो सिर्फ ये है कि हम उन्हें जितना सम्मान दे सकते हैं, जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं तो जितना हम सम्मान उनको दे पाएंगे वही उनके लिए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी संपादक महोदय ने कहा कि कुछ लोग हैप्पी मदर्स डे बनाते हैं तो हैप्पी फादर्स डे भी बनाया जाए, तो मैं कहूँगा कि इसको आप बैलेंस कीजिए और नेक्स्ट टाइम इसको हैप्पी पेरेंट्स डे भी बनाइए। बच्चों के जीवन में सिर्फ माँ ना सिर्फ बाप, माँ और बाप दोनों का योगदान अपूर्व है, लेकिन यहाँ आज की इस चकाचौंध जिंदगी में, इस भौतिकवादी जिंदगी में, भागती दौड़ती जिंदगी में शायद हमारे जो संस्कार थे वो शायद थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। मैं जब ऑफिस में बैठता हूँ तो ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं जब सीनियर सिटीजन्स 80 साल के 85 साल के सिर्फ इस बात को लेकर के कंप्लेंट करते हैं कि उनके बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और बैकग्राउंड में जाता हूँ इस कंप्लेंट के तो सिर्फ यही पाता हूँ कि उस कंप्लेंट का रीज़न यही है कि माँ बाप ने शायद उन्हें समय पर उनकी जो संपत्ति थी उनके नाम नहीं थे। अभी कुछ दो दिन पूर्व ही मैंने एक सीनियर सिटीजन पेश हुए, मुझे नाम तो ध्यान नहीं, मैंने हनुमंत अभी बैठे हैं अम्बा माता ऐसे चो, उन्हें उनके बच्चों ने, बच्चा अच्छी नौकरी कर रहा था, वेल सेटल्ड था, पिता भी अच्छे गवर्नमेंट अहदे से रिटायर हुए, शायद घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बट पता नहीं किस भाव में अपने बेटे ने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया या उनके बच्चों के प्रेम से उनको महरूम कर दिया। मैंने तुरंत ऐसे को अपने हनुमंत को फ़ोन लगाया कि ये आपसे मिलेंगे और तुरंत इनके घर पर जाइए आप साथ में जाके और इनके बच्चों को समझाइए कि आप आज जो कुछ भी हो, इस घर के मालिक हो या इस घर की छत के नीचे रह रहे हो, तो वो भी आपके माँ बाप के कारण ही है। तो मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चूँकि आज हम सब पेरेंट्स हैं तो हमें ज़्यादा महसूस होता होगा कि पेरेंट्स का हमारे जीवन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मैं चाहूँगा आप सबसे कि हम बच्चों को भी वही उतना ही, हम बच्चों के सामने हमारे पेरेंट्स को भी उतना ही सम्मान दें जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमें सम्मान देंगे। मैं अपनी लंबी बातों को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहूँगा बट बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, जो भी आपने अपनी पोएम्स के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए, हमेशा अपना आइकॉन बना के रखें, हमेशा अपना हीरो बना के रखें। ये आपके, यही वे आपके हैं जो आपको जीवन भर आपको आगे बढ़ के लेके जाएंगे। जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो मुंह से क्या निकलता है,
अरे बाप रे, या ओ माँ, यही शब्द निकलते हैं। तो जीवन में जो समस्या के वक्त आपको याद आए या आपकी खुशियों के खुशियां जब आपके माँ बाप के बिना पूरी नहीं हो पाए, तो माँ बाप के बिना इस जीवन में क्या है। तो इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और आप सभी को पुनः फादर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी बच्चों को, जैसे अभी पिछले अभी एक बच्ची ने कहा कि अपने फादर्स को जाके आज अपनी एक अच्छी सी जप्पी दीजिए और उनको कहिए थैंक यू पापा और वॉट एवर यू हैव डन, थैंक यू पापा, यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू। शुभ संध्या आप सभी को। आरुण्य योगा मेडिटेशन सेंटर की तरफ से हम सब आपका स्वागत करते हैं। पत्रिका राजस्थान पत्रिका को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें तो योग जो है हास्य के बिना अधूरा है। हंसना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम हंसते हैं तो हमारा ब्रेन जो है हैप्पी हार्मोन का सीक्रेशन करता है, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। 29 प्रेशर पॉइंट है हमारे हाथों पे। जब हम ताली बजाते हैं तो उन पे प्रेशर पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, ऑक्सीजन मिलती है बॉडी को और हम खुश होते हैं। खुश रहना हम सब भूल चुके हैं। अभी मैंने देखा सभी बड़े कंजूस हैं, तालियां नहीं बजा रहे थे। अब हमें ताली बजानी है और खुलकर हंसना है अच्छे से, और उसके बाद हम एक ध्यान करेंगे। एक्टिव मेडिटेशन है, नटराज कहा जाता है भगवान शिव को, और योग में एक नटराज ध्यान होता है जो हम आज की शाम पापा के नाम कर रहे हैं। उसी से संबंध करते हुए हम आभार व्यक्त करेंगे ईश्वर का कि हमें इतना अच्छा जीवन, इतने अच्छे माता पिता दिए हैं। तो वो एक नटराज फॉर्म नृत्य के रूप में होगा। नृत्य के बिना जीवन अधूरा है। तो आप सभी क्लैपिंग थेरेपी के बाद अपनी चेयर से दो कदम आगे आके आपकी आंखें आसमान की ओर लेके दोनों हाथ ऊपर करके झूमेंगे, नाचेंगे और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करेंगे इस जीवन का और अपने माता पिता का। तो ताली बजाएंगे, जिसने ताली नहीं बजाई है उनको नाश्ता नहीं कराएंगे, ठीक है? चलिए जोर से हंसेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप सभी अपनी जगह पर खड़े होंगे, दो कदम चेयर से आगे आ जाएंगे। मेरा जग सारा हो तुम, मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हर दम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। Oh,
संपादक महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करते हुए आप केक कटिंग के प्रोसेस को शुरू करें। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए इन सब बच्चों का जो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, और यही बच्चे आज केक काटकर फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने पापा के प्रति। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।